स्टूडेंट्स, आई एम रेहान खान फ्रॉम स्टडी पॉइंट इंटर कॉलेज, योर बायोलॉजी टीचर। इन लास्ट वीडियो आई हैड एक्सप्लेन यू मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इन दिस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन यू ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस थ्रू ब्लड एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन टिश्यूज। नाउ स्टार्ट। There are about 300 million alveoli in both lungs. These alveoli contribute to surface area of 36 to 72 square per meter. This area is available for gases exchange in the lungs. मतलब क्या 300 million alveoli दोनों lungs में पाई जाती हैं। यही एल्वियोली क्या करती, कंट्रीब्यूट करती हैं सरफेस एरिया कितना, 36 टू 72 पर मीटर स्क्वायर मीटर। और यही एरिया अवेलेबल होता है गैसेस का एक्सचेंज करने के लिए। कहाँ? लंग्स में। जो गैसेस का एक्सचेंज होता है लंग्स में CO2 और CO2 का, वो कहाँ होता है? एल्वियोली में। ओके, द सरफेस ऑफ एल्वियोली इज हाईली वैस्कुलर। जो सरफेस होती है एल्वियोली की वो कैसी है? हाईली वेस्कुलर होती है। इट कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज। व्हेन फ्रेश एयर कम्स टू एल्वियोली द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इट डिफ्यूज टू द ब्लड। क्या होता है, जब फ्रेश एयर एल्वियोली में आती है तो कहते हैं ऑक्सीजन जो है उसमें से एयर से डिफ्यूज होता है किसमें? टू द ब्लड। ब्लड में, इन ब्लड फिर ब्लड में क्या होता है? इन ब्लड द ऑक्सीजन इज कम्बाइंड विद हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन क्या होता है, वो किस में कम्बाइंड हो जाता है ब्लड में आके? हीमोग्लोबिन से। और क्या बना देता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अंडरस्टैंड? मीन्स ये हो गया HB हीमोग्लोबिन और O2, ये कम्बाइंड हुए दोनों क्या बना दिया? HbO2, डेट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, विद हीमोग्लोबिन। अब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलके क्या करेगा? ऑक्सीजन इज मूव्ड टू डिस्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और जो बॉडी का डिस्टेंट पार्ट है वहाँ मूव करेगा। ओके, एंड रीचेस अप टू द टिश्यूज, और कहाँ पहुँचेगा? टिश्यूज तक पहुँचेगा। एट द लेवल ऑफ टिश्यूज, जब वहाँ पे पहुँचेगा टिश्यूज में पहुँच जाएगा, ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से रिलीज हो जाएगा। द रिलीज्ड ऑक्सीजन इज गिवन टू द सेल ऑफ द टिश्यूज। अब वही जो रिलीज ऑक्सीजन है वो क्या करेगा? गिवन टू द सेल ऑफ द टिश्यूज। इन टर्न अब वापस में क्या लेगा? CO2 फ्रॉम द सेल्स, और सेल से CO2 को लेगा। और CO2 कहाँ बना है? प्रोड्यूस ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जो सेल में ऑक्सीडेशन हुआ है फूड का, वहीं से बनता है CO2, और उसको ये वापस ले लेगा। इस डिफ्यूज इनटू द ब्लड, और कहाँ डिफ्यूज होगा? ब्लड में। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरी टू द लंग सरफेस, मींस एल्वियोली। अब ये CO2 कहाँ कैरीड होगा? लंग सरफेस में, एल्वियोली में, विद ब्लड स्ट्रीम। और किसके साथ? ब्लड स्ट्रीम के साथ। दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 अकर्स मेनली इन द फॉर्म ऑफ कार्बनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट आयन। जो ये CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है किस फॉर्म में होता है? कार्बनिक एसिड के फॉर्म में और बाइकार्बोनेट की आयन्स की फॉर्म में। एट द लेवल ऑफ एल्वियोली CO2 इज गिवन टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब यहाँ पे एल्वियोली में क्या होगा? CO2 गिवन होगा किसको? गिवन टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक विच इज़ एलिमिनेटेड आउट फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग एक्सलेशन। और एक्सलेशन के दौरान ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू ये बाहर आ जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।